हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की, जो कि आपका पॉलिटेक्निक सिलेबस जो है उसका पार्ट है। और आप लोगों को ये पता ही होगा, पहला जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम ओवरव्यू कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो डिटेल हम बात करेंगे, डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी इसकी आप लोगों की, तो जो ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ। बाकी हम लोग अपनी क्लासेस जो हैं उसमें कंप्लीट इसको स्टडी करने वाले, बहुत इन डेप्थ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बात बताई जाएंगी। तो चलिए ओरिजिन्स एंड ओल्ड इंग्लिश की हम बात करें, तो ये आप लोगों का 450 टू 11 तक चलता है, 450 टू 1150 AD तक, ठीक है। तो एंग्लो सैक्सन इन्वेजन से आप लोग स्टडी करेंगे। ये इसमें तीन जर्मेनिक ट्राइब्स थी, एंग्ल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स, जिन्होंने इन्वेट किया था ब्रिटेन को। मीन्स हम शॉर्ट में हिस्ट्री भी देखेंगे और उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि लैंग्वेज पे कैसे पड़ा था, ठीक है। आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अलग चीज़ है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अलग चीज़ है, कैसे डिवेलप हुई वो स्टडी करना है। द लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश इवॉल्व्स फ्रॉम द जर्मेनिक डायलैक्ट्स। तो जो जर्मेनिक डायलैक्ट्स थे, जो ये आए थे एंगल्स, सैक्सन्स, जूट्स, ये आए थे, ठीक है, इनकी अपनी अपनी डायलेक्ट्स थी। जब ये आई, मिक्स हुई ओल्ड इंग्लिश हुई, ओल्ड इंग्लिश से, तो तब इंग्लिश का डेवलपमेंट हुआ। लिटरेचर, एपिक पोएम बियोल्फ इज द नोटेबल वर्क फ्रॉम दिस पीरियड। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज पे है। इन्फ्लुएंस की बात करें, लैटिन फ्रॉम रोमन मिशनरीज, क्रिश्चियनिटी इंट्रोडक्शन, क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन हुआ। स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस था ड्यू टू वाइकिंग इन्वेजन, जो वाइकिंग ने इन्वेट किया था। उसके बाद स्कैंडिनेविया जो प्लेस है, ठीक है, उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इंग्लिश लिटरेचर पर, वो आप लोगों को देखना है, या इंग्लिश पर एज अ लैंग्वेज। मिडिल इंग्लिश, ये आपका 1150 टू 1500 AD तक आता है ये पीरियड। नॉर्मन कन्क्वेस्ट, ये आपका 1066 AD तक है। तो नॉर्मन कन्क्वेस्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या इसका इम्पैक्ट आप लोगों को समझ में आना चाहिए। नॉर्मन्स फ्रॉम फ्रांस, तो जो नॉर्मन्स आए थे वो कहाँ से आए थे, फ्रांस से आए थे, उन्होंने इंग्लैंड को इन्वेड किया था। फ्रेंच बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ द रूलिंग क्लास, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया पे जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इन्वेड किया, ठीक है, और हम उनके अंडर में थे, तो फिर उस टाइम पे इंग्लिश यहाँ की क्या बन गई थी, रूलिंग क्लास का की लैंग्वेज हो गई थी। लॉ तो आज तक भी इंग्लिश में ही चलता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन का भी आप लेके चलते हैं, तो 80% जो एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो इंग्लिश एज ए लैंग्वेज में चलता है। तो उसका रीज़न था, ठीक है, कि इंग्लिश, हम ब्रिटिशर्स के अंडर में थे। फ्रेंच जो थी उस टाइम पर जो लैंग्वेज थी वो मेन लैंग्वेज बन चुकी थी। इंग्लिश एब्जॉर्ब्स मैनी फ्रेंच वर्ड्स। फ्रेंच वर्ड्स अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स देखने को मिलेंगे। लिटरेचर, जियोफ्रे चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स इज अ सिग्निफिकेंट वर्क। ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसीलिए जो लोग इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करते हैं उसमें उन्हें पता होगा कि कैंटरबरी टेल्स अपने आप में क्या है। उसने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज डिवेलप करने में जियोफ्रे चौसर का बड़ा हाथ था। मिडिल इंग्लिश इमर्जेज एज अ ब्लेंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस। तो जो मिडिल इंग्लिश था वो किसका ब्लेंड था, किसका मिक्सचर था वो, ठीक है। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है आप लोगों का, जो मिडिल इंग्लिश है किसका मिक्सचर था, तो ये ओल्ड इंग्लिश एंड फ्रेंच इन्फ्लुएंस का था। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश का डेवलपमेंट देख लेते हैं, ये 1500 टू 1700 AD तक का है, ठीक है। तो यहाँ पे रेनेसा इन्फ्लुएंस, रेनेसा का जो इन्फ्लुएंस था इंग्लिश पर, उसमें उसने कैसे हेल्प की डिवेलपमेंट की, उसके बारे में बात करेंगे। रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग, तो रिनेसा का मतलब ही रिवाइवल होता है, ठीक है, रिवाइवल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि रिवाइवल का इंग्लिश पर क्या फर्क पड़ा था, इंग्लिश लैंग्वेज पे। ग्रीक एंड लैटिन जो क्लासिकल लर्निंग थी उनको रिवाइव किया गया, तो उसका इंग्लिश पर काफ़ी फर्क पड़ा था। इन्फ्लक्स ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वोकैबुलरी, प्रिंटिंग प्रेस। अब इसके बाद कुछ प्रिंटिंग प्रेस थी, जैसे कि विलियम कैक्सटन इंट्रोड्यूसेस द प्रिंटिंग प्रेस ऑफ टू इंग्लैंड इन 1476। तो 1476 आप लोगों को याद रखना है विलियम कैक्सटन का, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि जब से प्रिंटिंग होना शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से जो मिडिल क्लास था उसके पास एक लिटरेचर आ गया पढ़ने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड ग्रामर बिगिंस, यहाँ से जो लैंग्वेज का स्टैंडर्डाइजेशन था वो शुरू हो गया। लिटरेचर, अब लिटरेचर की हम बात करें, विलियम शेक्सपियर, द किंग जेम्स बाइबल सिग्निफिकेंटली शेप द लैंग्वेज।
इसके बाद हम देखें तो शेक्सपियर का बड़ा हाथ रहा है इंग्लिश को डेवलप करने में। जेम्स का किंग जेम्स बाइबल का भी की भी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में देखेंगे। ग्रेट वॉवल शिफ्ट, यहाँ पे वॉवल शिफ्ट देखने को मिलता है हमें। मेजर फोनेटिक्स चेंज इन वॉवल प्रोनाउंसिएशन। वॉवल प्रोनाउंसिएशन अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक जो साउंड्स हैं वो क्या है, 44 है। 24 एंड 20 में आप लोगों को देखना है, 20 वॉवल साउंड है, 24 आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। वॉवल साउंड्स भी दो में डिवाइड किए जाते हैं, 12 एंड 8 में। 8 जो है वो आप लोगों के डिफ्थोंग्स हैं, ठीक है। डिफ्थोंग्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में होता है कंबाइंड साउंड्स, ठीक है। तो लैंग्वेज का अगर आप लोग, थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूँ ये चीज़ें, मैं ऐसे ही फास्ट लिख रहा हूँ, बाकी जो डिटेल क्लासेस होंगी उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिंटेड दूंगा और ये PDFs आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएंगे क्लास में। 12 जो होते हैं वो सिंपल साउंड्स होते हैं, तो साउंड्स के बारे में भी हम मीन्स एक तरह से हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि लिंग्विस्टिक आप लोगों का पार्ट है। तो आपको प्रोनाउंसिएशन और कहाँ से कौन से वर्ड्स का ग्रुप बन के प्रनाउंस होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि आपने हिंदी में देखा होगा कि अलग अलग वर्ग होते हैं ना, कचटप वर्ग होते हैं, कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं, साउंड्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। इंग्लिश और हिंदी भी आप लोगों की लैंग्वेज में है ये, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में देखते हैं आप लोगों को क्या करना है, 1700 टू प्रेजेंट तक स्टडी करना है। कॉलोनियल एक्सपेंशन देखेंगे, ब्रिटिश एम्पायर स्प्रेड्स इंग्लिश वर्ल्ड वाइड। ब्रिटिश एम्पायर जो था वो खुद ही स्प्रेड हुआ था, तो उसके साथ में इंग्लिश एज अ लैंग्वेज भी स्प्रेड हुई थी। बोरोइंग्स फ्रॉम लैंग्वेज अक्रॉस द ग्लोब, जैसे हिंदी अरबिक इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, तो सभी से क्या हुआ, इंग्लिश में वर्ड्स चले गए। जैसे कि आप लोगों ने देखा हो कि जंगल जो है अपने आप में इंग्लिश का वर्ड बन गया बाद में, है ना। चप्पल जो है वो इंग्लिश का वर्ड बन गया, तो इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स जो है वो चलते गए और इंग्लिश में ऐड होते गए, डिवेलप होती गई इंग्लिश। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी बड़ा फर्क पड़ा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टर्म्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री, नए नए वर्ड्स डिवेलप होते गए, क्योंकि ना जो इंडस्ट्री थी टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप हो रही थी। अमेरिकन इंग्लिश, डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट अमेरिकन इंग्लिश ड्यू टू अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड सब्सिक्वेंट कल्चरल डाइवर्जेंस। तो बाद में आप लोगों ने अमेरिकन इंग्लिश का नाम भी आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक अलग एक सेक्ट बन गया, एक पार्ट बन गया अमेरिकन इंग्लिश का भी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिक्शनरीज, सैमुअल जॉनसन की 1755 की डिक्शनरी जो थी वो पहली स्टैंडर्डाइजेशन जिसने हेल्प की लैंग्वेज के लिए, उस इसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया उसने, सैमुअल जॉनसन की डिक्शनरी ने। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी 1884 ऑनवर्ड्स। कंटेम्प्रेरी इंग्लिश, ग्लोबल इन्फ्लुएंस, इंग्लिश बिकम्स अ ग्लोबल लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है। यूज्ड एक्सटेंसिवली इंटरनेशनल बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा। डिजिटल एज, फिर डिजिटल एज आई। आज की अगर हम बात करें, मॉडर्न एज की हम बात करें, तो रैपिड एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज थ्रू द इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्लैंग एंड टर्म, जैसे सेल्फी, इमोजी, ये सब आपका मॉडर्न टर्म है। अब कुछ की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के लिए याद किए हैं, जिससे कि आप लोग इजीली इन चीज़ों को समझ पाएंगे। और इसी तरह के कीवर्ड्स और टर्म्स की लिस्ट मैं आप लोगों को पूरे कोर्स में देता रहूँगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको 7409287156 पर क्या करना है, व्हाट्सएप कर लेना है और मुझे बता देना है। जितनी जल्दी आप लोग ज्वाइन करेंगे या व्हाट्सएप पर आप इन्फॉर्मेशन देंगे, उतनी कम फीस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश, द अर्ली फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 450 टू 1150 AD तक की बात की जा रही है, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक होती है, 450 टू 1150 AD तक। मिडिल इंग्लिश किसे कहा जाता है, ये आपकी 1150 टू 1500 AD तक। थर्ड जो है वो है आपका अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज यूज्ड फ्रॉम द लेट 15th सेंचुरी टू द अर्ली 17th सेंचुरी। ग्रेट वॉवल शिफ्ट जो है, जिसके हमने ऊपर बात की थी, अ मेजर चेंजेस इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज दैट टुक प्लेस बिटवीन 1400 टू 1600। इसके बीच का जो टाइम पीरियड था इसमें प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था, ठीक है। तो वॉवल शिफ्ट इसे कहा जाता है। तो कई बार इस तरह से भी आप लोगों को हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। रिनेसा, रिनेसा क्या होता है, द कल्चरल मूवमेंट दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड यूरोपियन इंटेलेक्चुअल लाइफ ब्रिंगिंग लैटिन एंड ग्रीक इन्फ्लुएंसेस इन टू इंग्लिश। ऐसे ग्रीक एंड लैटिन जो वर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में आ गए थे। कॉलोनियल एक्सपेंशन, द पीरियड वैन द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड एंड स्प्रेड द इंग्लिश लैंग्वेज ग्लोबली।
लिंगुआ फ्रेंका, लिंगुआ फ्रेंका अ लैंग्वेज दैट इज यूज एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स दोज हुज नेटिव लैंग्वेज आर डिफरेंट। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाला टर्म देखा होगा लिंगुआ फ्रेंका, ये लैंग्वेज होती है जो कि कॉमन लैंग्वेज होती है स्पीकर्स के लिए, नेटिव लैंग्वेजेस आर हुज नेटिव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। मतलब क्या होता है, नेटिव लैंग्वेज में अलग अलग लैंग्वेजेस होती है लेकिन उनमें एक कॉमन लैंग्वेज जो होती है उसे हम लिंगुआ फ्रेंका बोलते हैं। सैमुअल जॉनसन, सैमुअल जॉनसन का नाम हमने ऊपर देखा था, ये फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी इन्होंने बनाई थी। आपको इसमें 55 वर्ड लेटर याद रखना है, बस 55 याद रखिए, आप लोग बाकी चीज़ें याद रहेंगी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, ये आपका 1884 में हुआ था। कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो कि हमने ऊपर देखे हैं, वैसे हम लोग इसमें 15 to 20 वर्क्स, नोटेबल वर्क्स को स्टडी करने वाले हैं। द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्रे चौसर, मिडिल इंग्लिश वर्क्स बाय विलियम शेक्सपियर अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में है। किंग्स जेम्स बाइबल इन अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, सैमुअल जॉनसन्स डिक्शनरी मॉडर्न इंग्लिश एंड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ये आपका मॉडर्न इंग्लिश का पार्ट है। सो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इसे एज अ गाइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद से स्टडी कर रहे हैं तो आप एज अ गाइड इस PDF को यूज कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 7409287156। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।